एकम् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं ते गिरम् बोलिए गुरुदेव महाराज की। जोर से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दयालु बाबा की जय। संत महापुरुषों की जय। नगर बस्ती की जय। शिवोहम शिव। गुरु महाराज के चरणों में कोटानकोट प्रणाम करते हैं। जिनकी महान अनुकंपा से आप सबके बीच में बैठने का सौभाग्य मिला, ऐसे अखंड मार्ता पिता श्री गुरुदेव को कोटि-कोटि बार प्रणाम है। हमारे मंच पर विराजमान सभी संत जन, विद्वत जन, हमारे संगीत जन, प्रभु से पधारे हुए हमारे गुप्तानंद जी महाराज, छोटी सी बालिका, माताओं बहनों भाइयों, सभी बढ़ जाओ। कोई माताएं बार बार प्रणाम करने, वहीं से गुरु का नाम सब लोग प्रेम से बोलेंगे। अपने मन को एकाकार करने के लिए, कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ त्याग करके आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ त्याग करके आए हैं, तो कुछ ले जाने का प्रयास करो। सभी लोग प्रेम से दो बार प्रभु का नाम बोलेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा। ताली बजाते हुए सब लोग सच्चिदानंद भगवान की, श्री आपत रामचंद्र भगवान की ओम। बहुत अच्छा विषय अभी आप श्रवण कर रहे थे।
समझने के लिए आप सब आए हैं कि हम कुछ समझें। अभी तक सब लोगों ने घर परिवार पत्नी बच्चे सारे वैभव को समझा है, घर को मकान को जमीन को सब कुछ समझने में देर नहीं लगी, ये वो समझ लिया है। अब जब उसको जब ना समझ करोगे, जब उसको ना समझ करोगे तब इस समझ के लिए आप प्रयास करेंगे। और गंभीर बात बताओ, ये समझ जाओगे तो अपने आप में असमझ हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। ये समझ जाओगे अपने आप ना समझ हो जाएगा, तो समझने के लिए अभी तक हमने जगत को समझा, एक बार अपने को समझो कि मैं कौन हूं। अपने को जब समझ जाओगे आप लोग, अभी तक ये मेरा नाम है, ये मेरी जात है, ये मेरा ग्राम है, ये सब कुछ आपने समझा, और असल पे ये जो है ये सब शरीर के रिश्ते हैं, आपके नहीं है। आप समझ के लिए प्रयास करने का, ऐसे भोले बाबा ऐसे संस्कारवान हो तो भी सती की बुद्धि को नहीं समझा पाए इस शांत महापुरुषों के, तो प्रयास क्या। इसलिए अपनी अकल लगाए रहोगे जब तक आप समझ नहीं पाओगे। डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए आप अपनी अकल को बिल्कुल नायकल कर देते हो, सोचते हो कि बस मैं तो आपकी शरण प्रपत्ति, आपकी शरण में हूं, मुझे ठीक कर दो। और मैं कभी कहा करता हूं कि तन मन और धन, तन भी और मन भी और धन भी अगर आपने गुरु को कहा है तो केवल झूठा कहा है, दिया तो डॉक्टर को है। तन भी देते हो डॉक्टर साहब मुझे ठीक करो, धन भी देते हो और तन भी देते हो और मन भी देते हो, और यहां तो संतों के पास केवल कह देते हो महाराज जी सब आपका है। आप समर्पित होकर के तन मन नहीं दिया तो सती को भोले बाबा नहीं समझा पाए, बहुत कुछ कहा। ये प्रभु जा रहे हैं, परमात्मा ब्रह्म रूप हैं, इनको प्रणाम करो। भोले बाबा ने देखा, परमात्मा के रूप को देखा, जाते हुए देखा और पहचान गए, ये तो बाहर का भेष है, वो तो मेरे प्रभु परमात्मा है। और उनको पहचान करके भोले बाबा प्रणाम करते, हाथ जोड़ करके कहते हैं, जय सच्चिदा नंद प्रभु पावन, जय सच्चिदा परमात्मा है। भोले बाबा कह रहे हैं और सती को बता रहे हैं, तुम भी प्रणाम करो, ये परमात्मा प्रभु है। असे कहे चले बाबा ने, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हो। सती ने पति की दशा देखी, पति कहां जा रहे हैं, और पति ने सती की दशा देखी कि ये कहां जा रही है। बोले बाबा सती को समझा रहे हैं, सती जासो कथा कुंभज्र से गाई और भगत जास में, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। वो परमात्मा है, पगली क्यों नहीं देखती। और भोले बाबा के ऊपर सती प्रणाम लगा रही है,
और वो कह रही है आपकी दशा क्या है, लगता है आपने ज्यादा चलम चढ़ा ली, ज्यादा पी गए। बस जीवन में यही है कि हम एक दूसरे की कमी को देखते रहते हैं, समझने का प्रयास। भोले बाबा कहते पगली तूने राम कथा नहीं सुनी। भगवान भोले बाबा अगस्त जी ने क्या क्या सुनाया था, जासु कथा सुन करके आयु भूल गए। सती कहती मैंने भूले, भूले तो तुम हो जो गांजा चलम चढ़ा करके राजा के लड़कों को प्रणाम कर रही हो, तुम भूले हो। बड़ी विलक्षण बात है, अपने अहम को मिटाने तक हम ब्रह्म तत्व के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। जानने का प्रयास करना, एक तो आपको आवश्यकता नहीं है, जो जानने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने अहम को मिटा करके नहीं कर पा रहा, इसलिए सफल नहीं हो पा। मुझे मालूम है कि गांव बहुत ब्रह्म तत्व के बड़े बड़े महापुरुषों का ग्राम है, जिसमें हमेशा ब्रह्म की वोच, आत्मा की जीव ब्रह्म की चर्चा, अपने स्वरूप का बोध की चर्चा होती रहती है। सब लोग समझते रहते हैं, समझने का प्रयास करने के लिए आए हैं, पर जरा अपने अहम को तो मिटाओ। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो हमारे पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस भान से, और पाने वाला मेरा है कह उठा अहमान से। मैं मेरा और कहने वाला मन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं, ये पहले करो मेरा कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये अहम को मिटा करके फिर अब गुरुओं की शरण में सत्संग में आओ तो कुछ लेकर के जाओगे। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझाया सती को, लाग न और उपदेश जदप कहो शिव बारी बहु, एक बार नहीं अनेकों बार का। और ये सम्मेलन एक बार नहीं अनेकों वर्ष से हो रहा है। शायद कोई ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने सत्य को समझ करके जीवन को अपने को परिवर्तन कर दिया है। बहुत प्रयास करते हैं संत महाराज, हमारे संचालक महोदय, हमारे संत भगवान कहाँ कहाँ से कितना प्रयास करके आते हैं कुछ इनके जीवन में बदलाव लाए, पर सती की तरह हम समझने को तैयार नहीं है, समझाने को तैयार है, समझने का नहीं विरोध करने को तैयार है। भोले बाबा ने कहा नहीं मानती हो, अरे प्रणाम, अच्छा नहीं मानती हो मेरे कहने से प्रणाम कर लो। बोले बाबा ने कहा सती चलो नहीं समझ पाई राजा की लड़के, लेकिन मैं कर रहा हूं तो तुम तो कर लो, मैं कर रहा हूं। जब सती तैयार नहीं हूं, बोले तुमने तो गांजा पिया है इसलिए तुम कर रहे हो, तुम्हें होश नहीं है, मैं क्यों करूं। बोले बाबा ने कहा नहीं मानोगी, बोले नहीं मानेगी, बोले ठीक है जाओ चली जाओ। जो तो मेरे मन अति संदेह तुम्हें जाए परीक्षा ले, संदेह सामान्य संदेह तो सुनने से मिट जाता है, अति संदेह ये है सीमा से पार है। बोले बाबा की बात नहीं माने सती, परीक्षा को लेने को चली जाती है, पुनः पुनः हृदय विचार धर्म सीता कर। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको सुनाने के लिए जैसे भोले बाबा थे, सती को समझाने के लिए संत आपको समझाते हैं, पर सती ने नहीं समझा, सती की क्या गति भई। आप सब लोग हमारे हिंगोटा के निवासी नहीं समझोगे तो वो दिन दूर नहीं जो सती की तरह गति होगी। कथा सुनकर के समझ लो अपने का परिवर्तन, जीवन को मन को मोड़ दो, और दूसरा नहीं मानो, डॉक्टर की तो मानो, वो ठीक करने के आया है,
आपको कहते हैं महाराज शुगर भले बनी रहे पर मुझसे जो है ये मीठा नहीं छोड़ा जाता, डॉक्टर ने कहा तो दवाई कराने क्यों आई जब मेरी बातें ही नहीं मानना है। आप लोग को समझना नहीं है, अरे आपको कैसा भी लगे डॉक्टर मना कर रहा है, एक कहता मुझे शुगर नहीं है मैं तो नहीं रख सकता, डॉक्टर कहता हो या ना हो मैं मना करता हूं कि मीठा मत खाओ, आपको स्वीकार करना शरीर को ठीक होना। और यही विषय आप सबके लिए, भोले बाबा ने कहा मैं स्वीकार करता हूं कि तुम मेरी बात मान लो परमात्मा है, लेकिन संत महापुरुष कहते आप ब्रह्म हो ये बात मान लो, आप मानने को तैयार नहीं है, आप इस सत्य को समझने को तैयार नहीं है कि आप देह नहीं हो। इतने अभ्यास करो, छोटा पहली क्लास पांचवी तक प्राइमरी पास करने के लिए आप ये चिंतन करो कि ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मुझे मिला है रहने के लिए। अच्छा शरीर की बात छोड़ो और आगे जाओ, आप लोगों के पास जो घर मकान संपत्ति है ना वो आप लोगों की है क्या? परमात्मा ने आज सबको दी है, इसका उपयोग करो, इसकी अपनी मत मानना, अपनी मानोगे तो आपके जीवन में वो समय आ जाएगा जिस समय की आप संसार सागर के चौराहे चक्कर में चले जाओगे। एक वो छोटा दृष्टांत आ गया, एक यात्री प्रयागराज के लिए, प्रयागराज को दर्शन करने जा रहा था, कुंभ नहाने जा रहा था और जीवन को सफल करने जा रहा था, और रास्ते में जा करके अपने गाड़ी के स्टेशन पर बैठ जाता है। बैठने के बाद उसने कोई एक दूसरा आदमी एक बक्सा लेकर के आया, आकर के बोले भैया बाबूजी आप बैठिए और मेरा बक्सा देखे रहना मैं टिकट लेने जाता हूँ। और वो ठीक है भैया मैं देखे हूँ, वह बैठ गया, टिकट लेने चला गया, गाड़ी चलने को तैयार हो गई, वो टिकट कटा करके अभी तक नहीं आया। जरा भाइयों बहनों समझने का प्रयास करो, जिस बात को मैं दे करके आपको बैराग की ओर ले जा रहा हूँ, और वो टिकट लेकर के जब नहीं आया बक्सा वाला, गाड़ी चलने लगी चलने लगी, उसने कहा भैया बक्सा वाला नहीं आया, तो वो फिर प्रयास करता, आगे बढ़ी गाड़ी आगे, बांदा पहुंची महोबा पहुंची, जा करके प्रयागराज पहुंचने की तैयारी है, पर टिकट बक्सा वाला नहीं, बक्सा वाला नहीं आया। सब लोग उतर गए, यात्री भी उतर गया, उतरने के बाद आगे बढ़ा, देखा कोई बक्सा वाला नहीं है, तो बोले नहीं है बक्सा वाला, तो चलो बक्सा अब तो मेरे ही हो गया, आए नहीं, बक्सा लेकर के आगे बढ़ा और बाहर निकला। जैसे ही बाहर पहुंचा तो टीटीआई ने कहा टिकट कहाँ है? बोले ये है, कहाँ जा रहा है? वो प्रयागराज, बक्सा कहाँ ले जा रहे हैं? बोले हम प्रयागराज स्नान का सामान लेकर के जा रहे हैं, पूरा सामान भरा है स्नान करने को, ठीक है, बक्से का लगेज नहीं बनवाया। बोले बाबूजी जल्दी जल्दी नहीं बना पाए। बोले नहीं जल्दी आओ लगेज बनवा, बक्से का निकालो पैसे, लगेज बना दिया, निकल के बाहर निकला, टांगा पे रखा, आगे बढ़े प्रयाग स्नान करने की, पुलिस लगी थी, पुलिस ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रयागराज स्नान करने के लिए, क्या है बक्से में? सामान है, भोजन करने का सामान। बोले टिकट कहाँ है? बोले ये है। बोले बक्सा किसका है? बोले मेरा है। बोले लगेज कहाँ है? बोले ये मेरा लगेज। बोले क्या है बक्सा में? बोले सामान है। बोले दिखाओ चाबी, हमको देखना है। अब चाबी तो उनके पास है, चाबी नहीं है। और जब चाबी को देखा तो बोले नहीं हम चाबी को तो देखेंगे। चाबी को तोड़ा गया, बक्सा को तोड़ा, पुलिस ने कहा इतना भारी सामान लेकर के प्रयागराज जा रहे हो? अरे प्रयागराज तो भक्ति करने, पूजा करने, जाप दर्शन करने के लिए इतना बड़ा सामान लेकर के जा रहे हो। पुलिस को शक हुआ, पुलिस को बक्सा को तोड़ा गया और बक्से को खोला गया, और खोल करके देखा तो बक्से में कटी हुई लाश भरी हुई थी, कटी हुई लाश भरी थी बक्से के अंदर। अब तो होश उड़ गए बक्सा वाले के, पुलिस ने कहा ये काम करते हो? आंखों में आंसू आकर टप टप के रोने लगा, महाराज ये बक्सा मेरा नहीं, मैं गंगा की सौगंध खाता हूँ, भगवान की पति की सौगंध, अपने परिवार की सौगंध कहता हूँ, ये बक्सा मेरा नहीं। दरोगा जी ने वहां का पाचालन किया और एसपी साहब के पास पहुंचे, ये सतकथा है। जाकर के एसपी साहब ने चेहरे को देखा तो पता लगा, उसके रोम रोम करके बता रहे थे कि इसका बक्सा नहीं है, सारा देह बता रहा था, मन इंद्रियां बता रही थी,
दरोगा जी ने कहा बक्सा तो तुम्हारा नहीं है, पर तुम्हारे पास ये लगेज है, ये लगेज बता रहा है कि बक्सा आपका है, चलो हम जा करके 302 में तुम्हें बंद कर दे। मेरे भाइयों सत्संग प्रेमियों, जरा चिंतन करो कि कौन सा ऐसा अपराध किया है जिससे जा रहे थे प्रयागराज पाप को धोने के लिए, वो आज कहां पहुंच गए, जाकर के पहुंचे तो नैनी की जेल में जाकर के बंद कर दिया। इस जगत को तो अपना बनाया, कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं किया, बस केवल बक्सा को अपना बनाया, कमी कहां रहेगी। बक्सा देखने को दिया था, भैया मेरा बक्सा देखते रहना, मैं टिकट कटाने आ रहा हूं, तुम्हारा काम था केवल देखते रहना, आगे अपना बनाना। और ये जगत आपको परमात्मा ने दिया है, बेटा दिया है, नाती दिया है, घर मकान दिया है, जमीन दिया है, केवल देखते रहना, संभालते रहना। और जाते समय बक्से की तरह आपके साथ, अगर शरीर से तो नहीं जाएगा, मन से जाएगा, तो 84 से बचने वाले नहीं हो, यही सत्यकथा। बोले बाबा ने किस बात नहीं मान रही है पत्नी, और कह रही है, बोले महाराज जाके पता लगा लो, हम सब इसको पता लगाने के लिए मंच के पास आए हैं कि हम पता लगा ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इसका पता लगाने को आए हैं। और भोले बाबा परमात्मा का पता लगाने के लिए सती जी जा करके वहां रास्ते में पहुंच गई। भोले बाबा ने कहा जाओ तो तुम जाओ परीक्षा ले, संदेह परीक्षा लेने के चली गई। और जब परीक्षा लेने को पहुंची तो वहां बोली कैसे, सती मन में विचार करी है, करे विचार करो का भाई, क्या विचार करूं, कैसे परीक्षा विचार हो। और विचार करते करते आप सब कभी विचार करते हो, सत्संग किया होगा तो और कोई विचार उठेंगे, और दुनिया में जीवन में परिवार का संग किया होगा, बत्संग किया होगा और परिवार संग किया होगा, दारू जुआ वालों का सत्संग किया होगा, अच्छे विचार आपके मन में कभी नहीं बनेंगे। सती के विचार नहीं बन रहे हैं जिनको पति के विचार। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, पत्नी को पति के विचार अच्छे ना लगे, बेटा को बाप के वचन अच्छे ना लगे, मरीज को डॉक्टर के वचन अच्छे ना लगे, चेला को गुरु के वचन अच्छे ना लगे, सत्संगियों को संतों के बात अच्छे ना लगे, समझ लो दिन खराब आने वाले। आज सती को पति के वचन अच्छे नहीं लग रहे हैं। कितने लोग ऐसे यहाँ विराजमान हैं, सत्संग में आए, इतना बड़ा गांव है, अगर संतों के वचनों को श्रवण करने आए होते तो बड़े प्रेम श्रद्धावान से आकर के विनम्रता से श्रवण करते, और कहे श्रवण करते, जैसे जो बालक कहते तर माता मद सोना पिते अर माता। अगर आप लोगों को सत्संग का सत पता तो आप बैठ करके अपना पान करते, मन के विकारों को समाप्त करते। सती जी जाकर के हृदय जाकर पन पर हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, सीता का भेष बना करके आगे बैठती, बोले परीक्षा ले रही हूँ। किसकी परीक्षा ले रही है, परमात्मा की। गलती है कि अपन समझने को तैयार नहीं है और दूसरे को समझने को तैयार है, बस यही हमारी सब गलती है। आप सब लोग सत्संग करने आते हैं, संतों को समझते हैं, वाणी को समझते हैं, संगीत को समझते हैं, जरा कभी अपने को तो समझो, मैं कौन हूं। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है, सच पूछो तो। अब आपने देखा होगा बल्ब कितने होते हैं, लाल भी होता है, पीला होता है, हरा होता है, कितने बल्बों का प्रकाश अनेकों तरह का होता है, पर आपने समझा कि क्या बल्ब इतने हैं और लाइट। समझने के लिए आए हो, समझो। सती जी ने अपने को नहीं समझा, और समझा तो भगवान को समझने जा रही है, और जाकर के बैठ जाती है सीता का वेश बना करके, परमात्मा राम जिस रास्ता से जा रहे थे उसी रास्ता सती के पास से निकल पड़े। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, बोले बाबा जाते पर परमात्मा राम जा रहे हैं, वो समझने भगवान को बैठी, भगवान उन्हीं के पास चले गए, ऐसे परमात्मा की कृपा है। और पिता समेत लीन निज नामू, पिता पिता समेत लीन निज नामू, पिता जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, जोर पिता
भगवान राम जोर पाण प्रभु पिता समेत। याद रखो अपना कौन पता बता रहे हैं, भगवान राम और सती जी को अपना नकली पता बता रहे हैं, मैं महाराज दशरथ का बेटा राम, और माता पार्वती को माता सती को प्रणाम करता। चिंतन करो अपना पता नकली बता रहे हैं, वो असली पता को बता रहे तुम कौन हो, तुम ये नहीं हो सीता, तुम तो सती हो। बड़ी गजब की बात है, सती को होश आया, मैं शंकर कर कहा न माने, पहचान लिया इनने, आज मैंने बड़ी भारी गलती की, पति के वचनों को नहीं माना, बड़ा अपराध हो गया, चाहे अपराध हो क्या जाके जवाब दूंगी। बोले बाबा ने मुझे बहुत समझाया, मेरी कितनी गलती थी, मैंने पति के वचनों को नहीं माना, आप सब लोग भी संतों के वचने को मानने को तैयार नहीं हूं। सती ने समझा कि मैं तो सीता बनी बैठी हूं, ये मुझे अंतर्यामी, इन्होंने पहचान लिया, ऊपर का भेष अपना बता रहे हैं कि महाराज दशरथ का बेटा राम माता सती जी को प्रणाम कर रहे, ऊपर का तुम्हारा नकली जो असली है भगवान असली बता रहे हैं, अपना नकली बता रहे हैं। संत महापुरुष आपको असली बताने को तैयार हो, जो आप लोग बैठे हो, किसके बेटे हो, किसके बाप हो, किसके भाई हो, किसके फूफा, किसकी मम्मी, किसके पापा, किसकी बुआ, किसके जीजा, ये सब नकली है। असली बताने को भगवान राम सती को असली बताने को आए थे, ये संत सब आपको असली बताने को तैयार हो, लेकिन आप समझने को तैयार तो हो जाओ, आपको असली बताने को आए हैं, एक बात समझ जाओ। अब आपको पश्चाताप लगेगा और सुन करके फिर आपने ये भी स्वीकार नहीं कर रही हो, सती ने स्वीकार नहीं किया। बोले बाबा ने कहा बताओ, लाई परीक्षा, लीने परीक्षा कौन विद सत्य कहो, फिर भी सुन लिया, फिर भी असली समझने को तुमने तो समझ लिया, लेके पति को अभी भी झूठ बोल रही हो। आखिर ये हमारा जीवन हम सबको समझाने के लिए आया है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ, ये भी नहीं है जानता, क्या सत है क्या असत है ये भी नहीं पहचानता, क्या धर्म है क्या अधर्म है इस बात का ना है पता, और सन्मार्ग को पाने चला कितनी बड़ी अज्ञानता। तुम क्या धर्म को ब्रह्म को पाओगे, पहले अपने को तो पहचानो, परमात्मा को बाद में पहचानो। ये पहचानने का जब प्रयास करोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि मिटने वाला कौन, बोले घड़ा मिटता है मिट्टी। अच्छा बताओ मिट्टी अविनाशी है कि नाशी है, मिट्टी। अच्छा घड़ा कहाँ है, घड़ा आपको दिखता है, घड़ा है ही नहीं है, जो है तो मिट्टी है। कोई ऐसा भक्त हो जो घड़ा पर हाथ रख के बताए कि ये घड़ा है, कोई ऐसा व्यक्ति हो, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, कहीं याद करो घड़ा पे हाथ रख दो, ये घड़ा नहीं, जहां है जहां मिट्टी मिट्टी है, इसलिए ऐसा परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा मेरे मन में आया था जब मैं अपने आश्रम से चला, तो मैंने कहा मैं पहली बार निकला, तो कई बार हूँ, एंगोटा पहली बार आया, एंगोटा को देखा, एंगोटा को समझा, मैंने आया भैया आपसे पूछा, कहा भैया एंगोटा कहाँ है, विदोखर आया, विदोखर महापौरों का गांव है, पहले एंगोटा आया, एंगोटा से मैं विदोखर आया, विदोखर से पूछा, भैया से पूछा भैया विदोखर कहाँ है, बोले महाराज यही तो विदोखर, हमने कहा पेड़ दिखाई दे रहे, नीम दिखाई दे रही, मकान दिखाई दे रहा, भाई बहन दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रहा, गाड़ी दिखाई दे रही, पर कहीं विदोखर दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है विदोखर, सबको दिखाई दे रहा पर विदोखर तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे भैया महाराज जी आप बेवकूफ हो गए क्या, ये सब विदोखर ही विदोखर है, ना गाड़ी है ना मकान है और ना कमरा है ना टेंट है ना माइक है, सब विदोखर ही विदोखर है। संत ने मुस्का करके कहा बस तो यही है, परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही तो है। बोले दिखाई देता मकान विदोखर दिखाई देता पर है,
है क्या है? बोले है तो वही जो है। और बोले क्या? बोले सब विदुख रही है, इसलिए सब ब्रह्म रूप है, लेकिन सब मिट्टी मिट्टी है, घड़ा तो कहीं नहीं है। घड़ा को समझने के लिए आप मिट्टी को नाशवान कर दोगे। और घड़ा को डर है, घड़ा को डर है कि मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। घड़ा को बहुत बड़ा डर रहता है। और जिस दिन जान जाए कि घड़ा नहीं मैं तो मिट्टी हूं, अच्छा बताओ मिट्टी को कौन मार पाएगा? मिट्टी तो अविनाशी है, मिट्टी की मौत नहीं है, मरने वाला तो घड़ा। जिसने आपको ये ख्याल हो जाएगा कि मैं घड़ा नहीं हूं मिट्टी हूं, तब यमराज के बाप को चुनौती है, मुझे मार के बता। इसलिए सतगुरु ज्ञान की धारा बहाने वाले आए हैं, शिवोह मंत्र का नारा लगाने वाले आए हैं। जन्म हुआ मृत्यु का भय जीव को, जन्म हुआ मृत्यु का भय जीव को निर्दन खटकता था, आज यमराज के भय से छुड़ाने वाले आए। यमराज को चुनौती है, मार के बता, ख्याल मिट जाए कि मैं घड़ा नहीं मैं तो मिट्टी हूं। केवल घड़ा घड़ा करते 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 अगर तुम घड़ा रहोगे तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और जिस दिन ये ख्याल मिट जाएगा ये घड़ा तो नाम रूप का आकार, मैं तो चेतन मिट्टी हूं, तो भगवान भी तुम्हें नहीं मार सकते। यमराज की बात छोड़, यही समझने के लिए सती बाबा ने नहीं समझ पाया और सोते रोते चली गई। पति के पास पहुंच जाती है फिर भी झूठ बोलती है, फिर भी समझ कछुना प्रक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम। और यही उनका हुआ कि ऐसा करते करते जाकर के जग में पहुंचना पड़ा। और वही हुआ जो सबका हुआ है। बोले बाबा ऐसी पति ने, बोले बाबा की ऐसी पत्नी ने उस सत्य को नहीं जान पाया, तो वही हुआ जो आप सबका होता, वही सती का हुआ। और अगर समझ जाते तो वो नहीं होता, जिसका होता उसका होता और तुम्हारा। इसलिए महापुरुष कहते हैं मोरे सतगुरु दियो है बताए की लाली मोरे लालन की मोरे। स्वामी जी ने दियो है बताए कि लाली मोरे लालन की मोरे। लाली मोरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मोरे ओ लाली मोरे लाल की देखो तितला। लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई लाल की लाली मोरे लालन। ओ लाली देखन में गई, लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई लाल की लाली मोरे। मोरे स्वामी जी ने मोरे सते गुरु दियो है बताए लाली मोरे लालन की मोरे। ओ सबकी गाठी लाल है कोई नहीं कंगा, सबकी गाठी सबके पास है ब्रह्म चेतन। सबकी गाठी लाल है कोई नहीं कंगा, सबकी गाठी गाठ खोल देखे नहीं सोया से मैं कंगाल की लाली मोरे लालन की। गाठ खोल या से मैं देहाल की मोरे सतगुरु दियो है बताए की लाली मोरे लालन। ओ लाली लाली सब कहें अर लाली लखी न को। एक बड़ी बात गुरु महाराज कहते हैं लाल आत्मा जिसने जाना उसने किया कमाल। ओ लाल आत्मा जिसने अपने को आत्मा जाना ब्रह्म जाना कमाल किया। आज धन कमा के कमाल नहीं, कलेक्टर बन के कमाल नहीं, कमाल करो तो अपने सत्य को समझ करके।
कमाल आत्मा जिसने जाना उसने किया कमाल। शरीर कहते आत्मा लाली लखी कबीर ने, लाली लखी कबीर ने सो आवागमन न होए की लाली मोरे लाल, लाली लखी आवागमन न होए की लाली मोरे मोरे स्वामी जी ने जियो है बताए आनंद भगवान की जय। शांति शांति शांति। बहुत सुंदर सुन रहे थे हमारे परम पूजनीय स्वामी महानंद जी से। कुछ दानदाताओं की सूची है। पूर्व प्रधान सिंह भदौरिया जी, आपकी ओर से दो पार्वती जी ने, सती जी ने सीता का भेष बनाया। देखो नकल बराबरी कभी नहीं होती, नकल तो की जा सकती है लेकिन बराबरी कभी नहीं की जा सकती। सीता का भेष तो बनाया लेकिन आगे आगे मिली आगे, और सीता जी हमेशा पीछे चलती थी। तो राम जी ने सोचा सीता तो हमेशा पीछे चलती थी और ये आगे है। तो देखिए वो है दक्ष प्रजापति की बेटी और सीता जी हैं जनक जी की बेटी, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जैसा होगा संस्कार वैसा होगा परिवार। नकल संस्कृत का पेपर था, एक लड़का बगल में बैठा था तो संस्कृत में बिंदी रखी होती है, बिंदी सत्यम बाल बालका बालको बालकाम ये होता है। तो एक लड़के ने सोचा कि ये बिंदी रखी है, तो उसने स्याही लेकर के पूरे पन्नी में छिड़का दिया उधा के लिए। तो नकल नकल तो होती है पर बराबरी कभी नहीं। तो जैसा होगा संस्कार वैसा होगा परिवार, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा करोगे ध्यान वैसा होगा ज्ञान, जैसा करोगे विचार वैसा दिखेगा संसार, जैसी पढ़ोगे पुस्तक वैसा बनेगा मस्तक, और जैसी होगी नियत वैसे होगी बरकत, जैसे होगी शुद्धि वैसे होगी बुद्धि, जैसा होगा व्यवहार वैसा होगा कारोबार। बहुत सुंदर सुन रहे थे। अब हमारे बीच में हैं बागी कदम।